आप अच्छी सेहत, प्यार और पैसे मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो भी करते हैं। आप जो चाहते हैं वो आप तक कभी कभी अट्रैक्ट भी हो जाता है, पर कुछ समय बाद जब आप अपने आसपास देखते हैं तो आपको ज़्यादा बदलाव नज़र नहीं आता, सब कुछ पहले जैसा ही रहता है। अगर ऐसा होता है तो आप इस तीन कंक्लूजन पर आते हैं। पहला, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम ही नहीं करता और ये सब बस एक स्कैम है, आप अपनी कंडीशन सुधारने के लिए दूसरे मॉडलिटीज को प्रैक्टिस करते हैं और अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए बस एक तीन लेटर का वर्ड है। दूसरा, जिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की किताब को आप फॉलो कर रहे हैं वो आपको गलत जानकारी दे रहा है। आपको लगता है कि इस ऑथर को सही जानकारी नहीं है और आप दूसरे ऑथर की किताब को ढूंढने लग जाते हैं। तीसरा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की किताब ठीक है पर इसमें वो रियल सीक्रेट नहीं है। आप उस नए सोर्स को ढूंढने लग जाते हैं जिसमें वो रियल सीक्रेट है और आप फिर से इसे प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही सिंपल है। ये इतना सिंपल है कि कई सारे पब्लिकेशंस पुरानी चीज़ों को ही नए तरीके से डिज़ाइन कर फिर से छाप देते हैं और हमें लगता है कि इस किताब में वो रियल सीक्रेट है। तो बात आती है कि जिस चीज़ को हम चाहते हैं, अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतना आसान है तो उसे अट्रैक्ट करना इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि हम जो चीज़ें चाहते हैं उसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से पाने की कोशिश नहीं करते। जो लोग फेल होते हैं उनकी मेंटेलिटी कुछ इस तरह की होती है, मैं 2 हफ्तों तक दिन में 3 बार 15 मिनट के लिए एक एक्सरसाइज करने के लिए तैयार हूँ, मुझे उम्मीद है कि इससे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। वेस्टर्न मेंटेलिटी में हार्ड वर्क को बहुत वैल्यू दिया जाता है। वेस्टर्न लोगों के दिल और दिमाग में हार्ड वर्क पूरी तरह से जगह बनाए हुए है। अगर बहुत मेहनत करने के बाद भी उन्हें उनका रिजल्ट नहीं मिलता तो वो बस ये सोचते हैं कि मुझे और ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। हार्ड वर्कर्स ज़्यादातर हार्डनेस को ही मैनिफेस्ट करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारी इंडियन सोसाइटी वेस्ट को कॉपी करने में लगी हुई है, तो ऐसी सिचुएशन यहाँ भी देखी जा सकती है। तो चलिए अब मैनिफेस्टेशन के रूट को जानते हैं। हम चीज़ों को मैनिफेस्टेड स्टेट में रहकर ही अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसे थोड़े से वेरिएशन के साथ मैं एक बार फिर से दोहराता हूँ। हम मैनिफेस्टेड स्टेट में रहकर ही किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट कर सकते हैं। मैनिफेस्टेड स्टेट एक इनर इमोशनल स्टेट है जहां हमें लगता है कि हम हमारे डिजायर्स को, जो हम चाहते हैं, उसे ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर चुके हैं। हम सब किसी ना किसी चीज को चाहते हैं और उसे पाने के बाद हम खुश हो जाते हैं, पर उस चीज को पाने से पहले हमें उस इमोशनल स्टेट में जाने की जरूरत है। आप विजुअलाइज करें कि आपके पास पैसे हैं और फिर पैसे आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन या किसी मैनिफेस्टेशन एक्सरसाइज को प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे, बस जब तक हो सके आप डिजायर्ड मैनिफेस्टेड स्टेट में रहे। एक्सरसाइजेस बस आपको उस स्टेट में जाने में मदद करता है। आप ये मत सोचिए कि किसी एक्सरसाइज की मदद से ही आप उस स्टेट में जा सकते हैं। आप वही करें जिसके लिए आप इंस्पायर्ड फील हों। हर दिन 1 घंटे के लिए एक्सरसाइज करना बहुत अच्छा है, पर बाकी के 23 घंटे आप अपने करंट लाइफ सिचुएशन पर अफसोस करके बिताते हैं तो सही नहीं है। इससे आपकी ज़िंदगी में वही चीज़ आकर्षित होगी जो आपके ओवरऑल वाइब्रेशन को मैच करेगा। मैनिफेस्टेड स्टेट में रहना ही मैनिफेस्टेशन का सीक्रेट है। बस आपको कोशिश करनी है कि जितना हो सके आप उतना मैनिफेस्टेड स्टेट में रहें। बस दिन में 1 घंटा नहीं, पर जितना हो सके उतना। आपके इमेजिनेशन और आपके थॉट्स फायरवुड की तरह हैं, ये आपको मैनिफेस्टेड स्टेट में ज़्यादा देर तक रहने में मदद करेंगे। अगर आप अपनी लाइफ सिचुएशन बदलना चाहते हैं तो आपको ये काम करना होगा। ये आपकी नई थिंकिंग और फीलिंग हैबिट बन जानी चाहिए। इससे आपको अपने पुराने डिस्ट्रक्टिव पैटर्न से छुटकारा पाने में मदद मिलेगा।
मेरा पर्सनल सुझाव ये है कि जब भी पॉसिबल हो आप अपने मैनिफेस्टेड स्टेट में रहें। मैं अपने क्लाइंट्स को ऐसा ही करने की सलाह देता हूँ, इससे वो अपने डिजायर्ड इमोशनल स्टेट में जाने के लिए नए नए रास्ते खोज पाते हैं। मैं खुद मैनिफेस्टेड स्टेट को इस तरह स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करता हूँ। नंबर वन, मुझे जो पसंद नहीं मैं उसे ऑब्जर्व और एक्नॉलेज करता हूँ। नंबर टू, मुझे जो चाहिए मैं उसके बारे में सोचता हूँ अच्छी एनर्जी की फीलिंग के साथ, आराम महसूस करता हूँ और पॉजिटिव और खुश रहता हूँ। नंबर थ्री, अपने डिजायर्ड स्टेट को मैच करने के लिए कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेस करता हूँ। मैं एक स्ट्रेट पोस्चर में बैठता हूँ, गहरी सांसें लेता हूँ, अपने मसल्स को फ्लेक्स करता हूँ। नंबर फोर, मैं अपने डिजायर्ड स्टेट को मैच करने के लिए अपने इमोशनल स्टेट पर भी काम करता हूँ। ये सबसे हार्ड पर सबसे ज़रूरी पार्ट है। मैं खुशी को महसूस करता हूँ, कहीं जाने की कोई जल्दी नहीं, किसी के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं। मैं सोचता हूँ कि मैं अपने डिजायर स्टेट में क्या करता, खुशी से फिजिकल एक्सरसाइज कर रहा होता, किसी सब्जेक्ट के बारे में लिख रहा होता या कुछ नई चीजें पढ़ रहा होता, और जब मुझे ये पता लग जाता है तो मैं उस काम को करने लग जाता हूँ। एक बार जब मेरी इनर फीलिंग और डिजायर्ड स्टेट मैच कर जाते हैं तब मैं उसे मेंटेन रखने की कोशिश करता हूँ। इस प्रोसेस में कंसिस्टेंसी और फोकस की जरूरत है, पर यह कभी भी किया जा सकता है ड्राइव करते वक्त, बातें करते वक्त या आराम करते वक्त। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इससे आप अपने इनर पावर को रीडिस्कवर कर पाते हैं। ये स्किल आपको इंडिपेंडेंट बनाएगा, आपको एक आजाद इंसान बनाने में मदद करेगा और आप अपनी जिंदगी में जो चाहते हैं वो मैनिफेस्ट कर पाएंगे। जब मैं अपने फिजिकल डिस्कम्फर्ट से मैनिफेस्टेड स्टेट में जाने की कोशिश करता हूँ तो इसमें एक तरह की इनर एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। इस स्टेप में विल पावर, एफर्ट और स्ट्रॉन्ग फोकस की ज़रूरत पड़ती है। भले ही मैनिफेस्टेड स्टेट का मतलब खुद के इनर इमोशनल स्टेट पर काम करना होता है, पर शुरुआत में ये चैलेंजिंग हो सकता है, पर इसके रिजल्ट के रूप में आप खुद में और अपनी जिंदगी में इम्प्रूवमेंट देख पाएंगे। और सबसे अच्छी बात, ये सभी चीज़ों के लिए काम करता है। पैसा, प्यार, सफलता, ये हर जगह काम करता है। ये डिसाइड करे कि आपको क्या चाहिए, मैचिंग स्टेट को डिस्क्राइब करे और अपने इनर इमोशनल फीलिंग को पॉजिटिव करना शुरू करे। धीरे धीरे शुरुआत करें। जब आप देखें कि आपके इमोशंस पॉजिटिविटी की तरफ शिफ्ट हो गए हैं तब आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्रैक्टिस सक्सेसफुल हुई। इसे करते रहे, इसे अपनी आदत बना ले। याद रखिए, जब आपके इमोशंस आपके डिजायर्ड स्टेट से मैच करते हैं तो ये आपके सक्सेसफुल मैनिफेस्टेशन वर्क का प्रूफ होता है। जब आप मैनिफेस्टेड स्टेट में होते हैं तो चीज़ें आसानी से आपकी तरफ आकर्षित होती है। यही लॉ है।